नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मॉडल टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबको बताएंगे 2020 होंडा सिटी का ओनरशिप रिव्यू और उसका एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मेरे साथ है नरेश जी, जो कि है होंडा सिटी के ओनर, और आप सबको बताएंगे इसका एक जेन्युइन एक्सपीरियंस इस गाड़ी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये होंडा सिटी का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? ये 1570 का पड़ गया जी। 1570 का, हाँ, लेस करके दिसंबर के हिसाब से 46,000 रुपये लेस मिली है। ओके, और ये कौन सा वेरिएंट है? ZX, हाँ जी, पेट्रोल टॉप मॉडल पेट्रोल। ओके, तो सर आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? होंडा सिटी भी थी पहले मेरे पास, 6 साल रही है। पहले भी आपके पास होंडा सिटी थी और अभी भी, तो आपका मतलब क्या ऐसा कारण बना कि दोबारा आपने सिटी ही खरीदी और पेट्रोल में? बस उस पे लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते, अच्छी लगती थी, कंफर्टेबल है, काफ़ी हम दूर दूर तक घूम के आए, तो इसलिए अच्छी है। अच्छा, और जैसे कि इस सेगमेंट में बाकी भी गाड़ी आती है, वर्ना आती है, सियाज आती है, या फिर प्राइस की बात करें तो क्रेटा, सेल्टोस, बाकी गाड़ियाँ भी आती है, तो आपका दोबारा सिटी का ही प्लान क्यों बना? बस ये कंफर्टेबल हमने यूज की हुई है इसलिए ये ली। बाकी क्रेटा देख के आए थे, उसके थोड़े से रेंज ज़्यादा है। अच्छा। 19 के तकरीबन पड़ती है वो। ओके, हाँ, ये थोड़ी सस्ती है इसलिए। अच्छा, क्रेटा से सस्ती है और वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो बाकी गाड़ियाँ भी जैसे सिटी और सियाज और वरना का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो आपको ओवरऑल सिटी का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया? हाँ, सिटी का ज़्यादा पसंद आया। पहले मेरे पास मैनुअल थी, अब ऑटोमेटिक इसलिए लिए, मगर चलो देख लेते हैं ऑटोमेटिक। ओके, मैनुअल से ज़्यादा अच्छी लगी ऑटोमेटिक। मैनुअल से ज़्यादा ऑटोमेटिक अच्छी लगी, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा छोटी सी, आगे बढ़ने से पहले, कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर गाड़ी का रिव्यू लेके आए, तो आपको हमारे चैनल पे सभी गाड़ियों के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे लिए 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। तो सर, माइलेज आपको इस गाड़ी में क्या मिल रही है अभी तक? 14-15 की दे रही है आगे। अच्छा, कह रहे हैं अभी सर्विस के बाद बढ़ जाएगी। ठीक है, और बात करें सबसे अच्छी चीज़ों की, आपको इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? बढ़िया ठीक है जी, इसकी स्पेस सही है अंदर से। अच्छा, और कंफर्टेबल है, बस मेन बात ये है। आपने लॉन्ग ड्राइव पे रन किया ये गाड़ी, लंबे टाइम तक चलाई गाड़ी? हाँ, 600-650 किलोमीटर एक दिन में निकाली है, और जयपुर से लुधियाना तकरीबन। कैसा लगा आपको? ऐसा लगा कि जो बिल्कुल कोई थकावट नहीं है, कोई और नहीं है। ओके, ठीक है। तो सर, बात करें सस्पेंशन की, गाड़ी चलाते हुए आपको छोटे बड़े खड्डे आए होंगे, तो आपको कैसा फील हुआ कि ऐसा लगता है कि खड्डे जो है ज़्यादा अच्छे से सोखती नहीं है गाड़ी? नहीं, महसूस तो होता है लेकिन इतने नहीं होते, जो छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं, फर्क तो है लेकिन पता तो लगता है अभी खड्डा है आगे और है। इतनी तो नहीं है, कोई मर्सिडीज में तो नहीं बैठे हम। ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो आपको सीटिंग कंफर्ट अच्छा लगा आपको, मतलब थकावट बिल्कुल भी नहीं आ रही? थकावट के मामले में ये सही है, कोई थकावट नहीं, कोई और नहीं। और जो पहले उसमें मैनुअल चलाया करते, क्लच से जैसे भीड़ के अंदर पैर दुखता था, वो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक लिया। ओके, और ड्राइविंग की बात करें तो आपको ड्राइविंग कितनी स्मूथ हो, कितनी अच्छी लगी कि आपको कभी ऐसा लगा कि गियर अड़ते हैं, गियर पूरे अच्छे से नहीं लगते ना, या स्मूथ नहीं है? वो नहीं है, वो छोटी गाड़ियों के अंदर हो सकता है, इसमें तो पता ही नहीं चलता कब गियर चेंज होते हैं कब नहीं, कुछ भी नहीं पता लगता। और यहाँ बात करें गाड़ी की इंटीरियर की क्वालिटी की, तो आपको इंटीरियर कैसे लगे गाड़ी के? इंटीरियर ठीक है। ओवरऑल मतलब डिज़ाइन कैसा लगा बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इंटीरियर का? नहीं, डिजाइन तो अच्छा बनाया है, जैसे बाहर से है तो BMW की नकल की है बैक लाइटों की। अच्छा, हाँ। तो आपको ओवरऑल बाहर से भी और अंदर से भी गाड़ी काफी पसंद है? हाँ, काफी पसंद। यहाँ बात करें म्यूजिक सिस्टम की,
तो आपको कभी ऐसा लगा कि टच एंड फील जो है टच इतना अच्छा नहीं है, म्यूजिक सिस्टम का साउंड उतना बढ़िया नहीं है? नहीं नहीं, म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, 6 साल मैंने पहले रखी है ना, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं थी और इसमें भी नहीं आएगी अभी तो, ये नई नई है। और सर ये बताइए कि इस गाड़ी में आपको कैबिन में नॉइस कितनी ज़्यादा आती है इंजन की, या फिर नीचे जो रोड की नॉइस है वो कितनी ज़्यादा आती है गाड़ी चलाते हुए? कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा आती इंजन है? इंजन की आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि पेट्रोल की है गाड़ी ये। ये तो अगर स्टार्ट करके साथ ही खड़े हो जाओ तो पता ही नहीं चलता अभी इंजन स्टार्ट है या बंद है। इसकी ये खासियत है होंडा सिटी की। और नीचे जैसे शुरू से रही है ये खासियत। ओके, और नीचे जैसे टायरों से आवाज आती है कई बार ज्यादा कुछ गाड़ियों में आती है, वो आपको लगती है कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं आई जी। टायर अगर चेंज करवा लें, पीछे मैंने चेंज करवाए थे उसके बाद हल्की आने लगी क्योंकि टायर अलग थे। ओके, जो साथ के टायर आते हैं उनमें कोई नहीं प्रॉब्लम। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक ये चीज़ भी बता दूँ कि अगर आप सिरसा से या फिर आसपास के एरिया से या फिर हरियाणा से, तो आपके कोई भी होंडा की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का लिंक मिल जाएगा, हमारे थ्रू आपको बेस्ट ऑफर दिए जाएंगे। इसमें कमियाँ क्या है नहीं? और हाँ, बात है कमियों पर बात करते हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी गाड़ी में जो कि होनी चाहिए थी और आपकी होंडा से शिकायत है कि वो चीज़ यहाँ पे इस गाड़ी में होनी चाहिए थी और आपको नहीं मिली? वायरलेस चार्जिंग जो वरना जरूर देती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग इसमें सपोर्टेबल नहीं है। तो आपको वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी में नहीं मिलती तो आपको वो एक कमी लगी। और बाकी बात करें और भी कुछ कमी लगी आपको इस गाड़ी में? वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। और इसके अलावा कुछ और भी लगता है आपको? सनरूफ छोटा है तो ये थी इस गाड़ी की कुछ कमियाँ। तो ये था होंडा सिटी का एक जेन्युइन ओनर एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी आपकी क्वेरीज है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।